नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नगर निगम के महापौर और नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्ष के पदों के आरक्षण की कार्यवाही आज शहीद स्मारक भवन में लकी ड्रॉ के द्वारा निकाला गया। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के उप सचिव आर एक्का ने जानकारी देते हुए कहा कि नगर पालिका के अध्यक्ष और निगम के महापौर के लिए आरक्षण की कार्यवाही दो चरणों में पूरी की गई है। प्रथम चरण में नगर निगम और दूसरे चरण में नगर पालिका के अध्यक्षों के आरक्षण की प्रक्रिया लॉटरी द्वारा संपन्न कराई गई। प्रदेश में 44 नगर पालिकाओं में अनुसूचित के लिए 6, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 11 नगर पालिका आरक्षित रखे गए हैं। वहीं 21 नगर पालिका में अध्यक्ष का पद अनारक्षित रखा गया है। वहीं प्रदेश के 13 नगर निगम के लिए भी आज आरक्षण प्रक्रिया पूरी की गई है। इसमें रायपुर नगर पालिका निगम और बिरगांव नगर निगम में महापौर का प्रत्याशी सामान्य वर्ग से होगा। इसके अलावा राजनांदगांव, धमतरी और कोरबा में इस बार ओबीसी प्रत्याशी के लिए सीट आरक्षित की गई है। इसमें भी राजनांदगांव की सीट पर अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया है। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में जो महापौर और अध्यक्ष के पद हैं की आरक्षण की कार्यवाही की जा रही है। पहले चरण में हमने नगर निगमों के महापौर के पदों का आरक्षण की कार्यवाही पूरा किया, जिनकी संख्या प्रदेश में 13 है। उसके बाद में नगर पालिका परिषदों में आरक्षण की कार्यवाही की गई। 43 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पदों के आरक्षण की कार्यवाही भी पूरी हो गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नगर निगम के महापौर एवं नगर पालिका नगर पंचायतों के अध्यक्ष के पदों के आरक्षण की कार्यवाही लॉटरी के द्वारा निकाली गई। आरक्षण पर रायपुर के सांसद सुनील सोनी ने कहा कि नगर निगम, महापौर और नगर पालिका के अध्यक्ष के चुनाव में केवल इस बार भाजपा की ही जीत होगी। सोनी ने कहा कि प्रदेश की जनता प्रदेश को समस्याओं से मुक्त देखना चाहते हैं, इसलिए भाजपा को ही साथ देंगे। वहीं राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने कहा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस सभी सीटों पर काबिज होगी। भाजपा कितना भी आरोप लगाए, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा कुछ ही महीनों में किए गए कार्यों की प्रदेशवासी सराहना करते हैं, इसलिए निकाय चुनाव में कांग्रेस को ही आम लोगों का साथ मिलेगा। आने वाले समय में नगरी निकाय चुनाव है, उसका आरक्षण का प्रक्रिया यहाँ पर शहीद स्मारक भवन में संपन्न होने जा रहा है। नगर निगम, नगर पालिका का निकल गया है, नगर पंचायत का अभी चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है और आने वाले समय में पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और नगरी निकाय और नगर पंचायत, नगर पालिका सभी में कांग्रेस के महापौर ही बनेंगे, ये मेरा दावा है। प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के आरक्षण हो रहे हैं और इन सारे शहरी क्षेत्रों के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय श्री हासिल करेंगे और हम संकल्पबद्ध हैं कि जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे और हमारे सभी महापौर और नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष ईमानदारी के साथ में काम करेंगे। एक विकास को नया आयाम देने का हमारा संकल्प है। इन शहरी क्षेत्रों में जो ठहरा हुआ विकास है, वो सारे विकास के कामों को आगे बढ़ाने का काम हमारे सभी भाई बहन लोग करेंगे और आने वाले समय के अंदर में एक अच्छा शहर, अच्छा नगर पालिका, अच्छा नगर पंचायत डेवलप हो, ये हम सबका सपना है और छत्तीसगढ़ के सभी शहरी क्षेत्र के भाई बहनों का भी यही सपना है कि समस्या मुक्त क्षेत्र हो। तो वो सारी मौलिक समस्याओं का निराकरण करने का हमारे सभी नुमाइंदे मिलकर, जो है जनप्रतिनिधि मिलकर, इसका नया आयाम देने का काम करेंगे। आपको बता दें कि रायपुर जिले के अंतर्गत नगर पालिक निगम रायपुर, नगर पालिक परिषदों एवं नगर पंचायतों के अंतर्गत वार्डों को आरक्षित करने की कार्यवाही 26 सितंबर को की जाएगी। इसके तहत नगर पालिक निगम रायपुर, नगर पालिक परिषद आरंग, गोबरा नवापारा और तिलदा नेवरा तथा नगर पंचायत माना कैम्प, कूड़ा, खरोरा और अभनपुर के वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही की जाएगी। बहरहाल माना जा रहा है कि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मियाँ अब तेज हो गई है। राजनेताओं के साथ साथ आम जनता में भी चुनावी सुगबुगाहट देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।